नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। किताब की कहानी, आज की किताब की कहानी है गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पाली एस नरेमन इसके राइटर हैं। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जितना कैची ये टाइटल है उतनी ही इंटरेस्टिंग ये बुक भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक वकील ने लिखी है तो सिर्फ लीगल माइंड्स को ही इंटरेस्ट करेगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान को लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज होना तो ज़रूरी है। इतनी कमाल की किताब लिखने वाले फली एस नरेमन है कौन? बॉर्न ऑन 10 जनवरी 1929, बिशप कॉटन शिमला से इनकी पढ़ाई हुई है। पिता चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स लिखें, लेकिन उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो इन्हें डेस्टिनी लॉ की तरफ ले गई, क्योंकि ये बने ही लॉ के लिए थे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर, एक ऐसे वकील जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश जिसके ऊपर चलता है, उसके माहिर हैं ये। 1971 से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1991 से 2010 तक, अ डेकोरेटेड लॉयर। 1991 में पद्म भूषण, 2007 में पद्म विभूषण और 2018 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1999 से 2005 तक राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। कोई भी इंसान जब किताब लिखने का सोचता है ना, तो उसके पास एक रीजन होता है कि मैं क्यों ये किताब लिख रहा हूँ, या फिर ऐसा क्या है जो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ। इस किताब को लिखने का रीजन, शुरुआत के तकरीबन 100 पन्नों में और आखिर की तरफ भी बार बार एक ही बात पे जोर डाला गया है, तो मेनली मैं कहूँगी ये किताब इसीलिए लिखी गई है। वो क्या रीज़न था? इस किताब को लिखने का रीज़न था, 2018 में आपको याद होगा इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस 4 इंडिया के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट बोले पब्लिकली मीडिया के सामने। कोर्ट्स का एक डेकोरम रहता है कि जो केसेस आते हैं, इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं, या तो वो चीफ जस्टिस के पास जाते हैं या चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि कौन जजेस, कौन जस्टिस उनको टेक ओवर करेंगे, हु विल प्रिसाइड ओवर देम। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जज नंबर 2, जज नंबर 3, 4, 5, 6 एंड द लिस्ट गोज ऑन अकॉर्डिंगली, उनको वो केस मिलते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मास्टर ऑफ द रूस्टर। रूस्टर जो लिस्ट बनती है कि कौन किस केस को देखेगा, इज द मास्टर ऑफ दैट रूस्टर। वो चाहे तो केस किसी को भी दे सकते हैं, वो अदरवाइज गलत नहीं है, लेकिन सीनियोरिटी वाइज केसेस डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये एक एथिक्स की बात थी। तो पहले जस्टिस जस्ती चेलामेश्वर, जस्टिस राजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को। इस लेटर की डेट मेंशन नहीं है, बट बुक के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो लेटर या तो पढ़ा नहीं या वो ओवरलुक हो गया। इसलिए 12 जनवरी 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री फॉर सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट समन्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां उन्होंने पब्लिकली जो लेटर चीफ जस्टिस को एड्रेस था, अपने ग्रीवियंसेस को लेके उसको पेश कर दिया। अंदर की बातें पब्लिकली बाहर आना बहुत ज्यादा हानिकारक है जुडिशरी की इमेज के लिए, ये कहते हैं फली एस नरेमन। और किताब की शुरुआत में ये भी कहते हैं, दे आर माई व्यूज ऑन द टॉपिक्स मैंशनड बट दे आर नॉट रिटन इन स्टोन। इस किताब की राइटिंग की अगर मैं तुलना करूं तो ये किताब बहुत उम्दा लिखी है। अब उम्दा किताब लिखी है इंग्लिश में, तो आप लोग कहीं कंपेयर करें कि ये शशि थरूर की किताब की तरह है। शशि थरूर की किताबें अच्छी होती हैं, वेल रिसर्च्ड होती है, पर देखिए ये किताब ज़्यादा बेहतर इसलिए है, हाँ है ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ये एक वकील ने लिखी है, उस वकील ने लिखी है जो अपने सब्जेक्ट का माहिर है, उस वकील ने लिखी है जो बहुत वेल रेड है, और उस वकील ने लिखी है जो बहुत विटी है। ये आप फील करेंगे इस किताब को पढ़ के, क्योंकि वाकई ही ये आपके ब्रेन सेल्स को टिकल करने वाली किताब है। जिस तरह इस किताब की शुरुआत होती है जनवरी 2017 से,
मई 2018 के दौरान हुए केसेस पर स्ट्रेस डालते हुए। तो वो केसेस मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूं, जिस तरह ट्रिपल तलाक भी उसी वक्त डिसाइड हुआ। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनका केस भी उसी वक्त डिसाइड हुआ। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस थे और चीज़ें ऐसे हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई टेल ऑफ टू सिटीज से कुछ सेंटेंसेस कोट करते हैं। शुरू में ही फली एस नरिमन ब्यूटिफुली फिट होते हैं, सुनिएगा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस, इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। ऐसे लोगों की किताबें पढ़कर लगता है कि जितनी भी किताबें पढ़ी जाए वो कम है। ब्यूटिफुली कोटेड। इंडियन हिस्ट्री में 1973 तक जो भी सीनियर मोस्ट जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस बन जाते थे। लेकिन 1973 में फॉर द फर्स्ट टाइम सुपर सेशन हुआ। किसने किया था? उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। जज नंबर 4 A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1973। दोबारा कोट कर रही हूँ, फर्स्ट सुपर सेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जब A.N. रे रिटायर हुए तो उसके बाद जज नंबर 2 थे H.R. खन्ना, लेकिन उन्होंने एक फंडामेंटल राइट्स के केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट देके उन्हें डिसप्लीस कर दिया था। इसलिए A.N. रे ने उन्हें नहीं सजेस्ट किया और उनके बदले सजेस्ट किया जज नंबर 3 को M.H. बेग। क्या मैंने आपको बताया जब पहला सुपर सेशन हुआ जज नंबर 4 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया A.N. रे को, तो पहले 3 सीनियर मोस्ट जस्टिसेस ने चुपचाप रेजिग्नेशन दे दिया था। कोई डिसीजन उस वक्त मंजूर नहीं है, उस वक्त इस तरह बताया जाता था। पहली बार चीज वोकल हुई 4 जस्टिस जब सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट मीडिया में गए। तो वही चीज इस किताब में बार बार हर एक एंगल से, कॉन्स्टिट्यूशन के, लीगल के, एथिकल एंगल के, इन सब को लेके बताई गई है। लेकिन उस एक चीज के साथ साथ बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप इस किताब में। आपके दिमाग की शार्पनेस सिर्फ उसी से प्रूव नहीं होती कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके दिमाग की शार्पनेस उससे भी प्रूव होती है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है और वैलिड है, उसको आप समझ सके। एक स्टेटमेंट है, गूगल कीजिएगा, ढूंढिएगा इसको, द बॉय हु रोट द बेस्ट एसे गॉट द ट्रॉफी। पूरा ब्रह्मांड, पूरा इवेंट इसमें इतनी छोटे से सेंटेंस में अच्छे से समझा दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दूसरी एक और बात जो इस किताब में स्ट्रेस की गई है, ये तब की बात है जब ये राज्यसभा मेंबर थे। हालांकि उस बात को अभी भी ये मेंटेन करते हैं, पर ये बात इन्होंने तब कही थी जब ये राज्यसभा मेंबर थे। इन्होंने बिल प्रपोज किया था नो वर्क नो पे का। जब पार्लियामेंटेरियंस काम ना करे तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। अपनी राइटिंग से पूरा डिसएग्रीमेंट शो किया है कि जो ऑपोजिशन होता है या कोई भी पार्टी जो अग्री नहीं करती जो हाउस में हो रहा होता है, इट डजंट मेक एनी सेंस कि इतने सारे लोग जो आप पे ट्रस्ट किए हैं, आपको उधर भेजा है, जिनकी ज़िंदगी पे आपके उस एक घंटे का, 15 मिनट, 10 मिनट का फ़र्क पड़ता है, आप वॉकआउट कर जाएं या आप काम ना होने दें उस हाउस का। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप वहाँ पर रहकर भी अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हैं। आप हाउस की वर्किंग को रोक दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सिमिलर बात इन्होंने स्पीकर के लिए भी एडवाइस की है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई हाउस के वेल तक जो जगह होती है स्पीकर के पास, वहाँ तक पहुँच जाता है, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, तो आप शांति से अपनी सीट पर बैठे रहें, आप उठ के वहाँ से ना जाएं। एज अ मेंबर ये बिल ज़रूर इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, लेकिन वो कभी पेश नहीं हुआ। और जब ये रिटायर हुए राज्यसभा से, तो ये एक रूल है कि जब मेंबर रिटायर होता है राज्यसभा से, उसके फॉरवर्ड किए हुए जो बिल्स होते हैं वो भी अगर पास नहीं हुए हैं तो साथ ही रिटायर हो जाते हैं। 599 की बुक है, हे हाउस पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड्स ने पब्लिश की है।